लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी आज पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी एक हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल थामे दिखाई दिए तो वहीं दूसरे हाथ में वे जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। देखें ये रिपोर्ट। महाकौशल को साधने के लिए चुनावी दंगल में उतरे पीएम मोदी। जबलपुर लोकसभा सीट पर पीएम ने किया रोड शो। कमल का फूल थामकर लोगों का किया अभिवादन स्वीकार। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का दिया साथ। महाकौशल और विंध्य प्रदेश को साधने की कोशिश करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही रोड शो के लिए खुली जीप पर सवार हुए तो मोदी मोदी की गूंज हर तरफ फैल गई। रोड शो शहीद भगत सिंह चौक से शुरू हुआ, वैसे ही जबलपुर की जनता ने पूरे जोश के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी भी हाथ में भाजपा का कमल लेकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के साथ रोड शो में सीएम मोहन यादव व जबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। लोग हाथों में मोदी मोदी के पोस्टर लेकर पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए नजर आए। लोगों ने अपने घरों पर बैनर लगाए हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है, मेरा घर मोदी का घर, मेरा परिवार पीएम मोदी का परिवार। आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से देख रहे हैं जहां पर एक सदस्य मान रहे हैं और इसीलिए उनका स्वागत, उनका सम्मान और पालों का कार्यकाल है। इन सारे कामों के आधार पर ये चाहे पीएम आवास योजना का आमंत्रण महिलाओं के नाम पर करने की बात हो, क्योंकि उन्हें भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनको उनके आर्थिक जो सशक्तिकरण को तो बालकनियों में खड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ अभी भी लोग खिड़कियों में खड़े हुए हैं, वो आगे निकल चुके हैं लेकिन अभी भी हाथ हिला रहे हैं, वो अभी भी झंडे हिला रहे हैं। तो ये बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला मध्य प्रदेश दौरा है। जबलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के जरिए भाजपा ने महाकौशल की चार लोकसभा सीटों जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।